ज्योति हत्या प्रकरण में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के संबंध में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार गैंगरेप बेटियों की हत्या हो रही है, जिसको लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जिला प्रभारी रोहिताश कुमार राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर मौन प्रदर्शन किया और मंझोली में हुई किशोरी की निर्मम हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग रखी। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र में मोहल्ला मंझोली की युवती घर से ट्यूशन पढ़ाने गई थी और वापस नहीं आई। 13 फरवरी 2021 को उस दलित युवती की हत्या का लाश मैदान में फेंक दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरादाबाद में आए, लेकिन पीड़ित परिवार के प्रति कोई संवेदना जाहिर नहीं की और न ही पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में यह मांग करती है कि ज्योति उर्फ प्रियंका के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाए, ज्योति हत्याकांड की जांच SIT गठित कर कराई जाए, उसके भाई को नगर निगम में नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। ज्ञापन देने वालों में बच्चन सिंह चौहान, मोहम्मद आलम, सूरज, रेखा सैनी, नूर सभा, रोहिताश राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। मैं क्या नाम है आपका और किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? रोहिताश कुमार राजपूत नाम है मेरा। आज हमारा हमने मौन मार्च निकाला है और महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। DM महोदय के द्वारा हम अपना ज्ञापन भेज रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हमला नहीं हो रहा है, उनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं, गैंगरेप नहीं हो रहे हैं। यूपी में एक जिला एक शहर ऐसा नहीं बचा। उसी कड़ी में हमारा मुरादाबाद का नाम भी जुड़ गया। हमारी बेटी ज्योति प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई थी, दलित परिवार से थी और उसी के सहारे घर का खर्चा चलता था। जब वो ट्यूशन पढ़ाने गई शनिवार को, तो वहाँ से ही दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको ले जा करके और उसकी हत्या कर दी, नृशंस हत्या की है उसकी। तो उसको लेकर के उन हत्यारों को तत्काल गिरफ्तारी हो और जो उसकी मेडिकल जांच हुई है, उस मेडिकल जांच को उसके परिवार को, जो पुलिस ने अभी तक नहीं सौंपा है, उसके परिवार को उस मेडिकल जांच को सौंपा जाए, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और 10 लाख रुपया उसको आर्थिक सहायता उस परिवार को दी जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। और जो उत्तर प्रदेश में ये अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराधों की जिम्मेदारी लेते हुए, बेटियों की हत्या की गैंगरेप की जिम्मेदारी लेते हुए योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम अपना ज्ञापन दे